हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक पीएनजी फोटो बनाना चाहते हो तो देख सकते हो मेरा स्क्रीन पे। पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा ओरिजिनल फोटो, इधर के साइड देख सकते हो मेरा पीएनजी फोटो। ओनली दोस्तों मैंने 10 सेकेंड में अपना पीएनजी फोटो बना लिया हूँ। मेरा ओरिजिनल फोटो को पीएनजी फोटो बनाने में दोस्तों मेरा ओनली 10 सेकेंड का टाइम लगा और मेरा पीएनजी फोटो बन गया। अगर आपको भी इस तरह का पीएनजी फोटो बनाना है, आप अपना खुद का नहीं तो दोस्तों का नहीं तो किसी का भी फोटो का पीएनजी बनाना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। अगर हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई वीडियो इस तरह का अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू आए। और ले चलता पहले अपने फोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देते हैं हम किस तरह से पीएनजी फोटो बना। हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने फोटो को पीएनजी फोटो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाना। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे सर्च करना होगा बैकग्राउंड इरेजर। इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों हमारे सामने देखो यहाँ पे आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आप ओपन कर देना। ओपन करते ही देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा, दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा हुआ लोडिंग, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों लिखा हुआ लोड ए फोटो, यहाँ पे देखो ओरिजिनल एल्बम यहाँ पे दिखा रहा। तो आपको क्या करना होगा, ये जो दोस्तों यहाँ पे देखो लोड ए फोटो है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। देखो मैंने कुछ इस तरह से क्लिक किया हूँ और हमारे यहाँ से कोई भी फ़ोटो उठा लेंगे, जैसे कि जो भी हमें फ़ोटो का पीएनजी बनाना होगा। देखो मैं इस फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखो हमारा फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अगर इसको एक क्लिक में पीएनजी बनाना होगा तो देखो यहाँ पे चारों साइड से इसको थोड़ा सा दोस्तों क्रॉप कर देना। देखो कुछ इस तरह से क्रॉप करने के बाद जिस साइज़ में रखना होगा, मेरे को इस साइज़ में रखना है तो इस तरह से हम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा डन का, देखो यहाँ पर, तो इस वाले हम डन वाले पर एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है दोस्तों, देखो कुछ इस तरह का, देखो यहाँ पर आ रहा, देखो ऑटो सेल्फी लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। तो आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही देखो हमारा फोटो पीएनजी बन गया है। देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा फोटो बन गया पीएनजी। अगर दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का आ रहा होगा आपके फोटो में तो इसको भी हटा सकते हो। देखो कुछ इस तरह से आ रहा हो, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो जूम का आ रहा ऑप्शन, देखो तो देखो दोस्तों यहाँ पे आ रहा जूमिंग का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो एक आ रहा इसका ऑप्शन, देखो आ रहा, इस पर एक बार क्लिक कर देना होगा आपको। देखो मैंने इस तरह से क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से, अगर इसका साइज बड़ा करना होगा तो यहाँ पे देखो इस पर क्लिक करोगे, इसको इस तरह से बढ़ा दोगे तो आपका दोस्तों देखो इसका साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से पीएनजी को मतलब मिटा देना होगा, ओरिजिनल वाले फ़ोटो को जितना पे आपको रखना होगा। देखो कुछ इस तरह से यहाँ से जो पार्ट अगर आपका रिमूव नहीं होगा उसको रिमूव कर देना होगा कुछ इस तरह से। देखो अब हमारा पीएनजी बन जाएगा। उसको डन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या कर देना होगा, यहाँ पे देखो एक सेव का ऑप्शन आ रहा, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद देखो हमारा पीएनजी में बदल गया। देखो आप इस तरह से दोस्तों आप पीएनजी फोटो बना सकते हो। देखो मैं गैलरी में जाता हूँ, गैलरी में जाने के बाद देख सकते हो मेरा फोटो पीएनजी में कन्वर्ट हो गया। दिखा देता हूँ मैं आपको दोस्तों, देख सकते हो ये रहा मेरा फोटो, देखो ये पीएनजी में अब बदल गया। इस तरह से आप भी अपने फोटो को पीएनजी फोटो बना सकते हो।